लिंचिंग शब्द को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में ट्विटर वार छिड़ गया है। राहुल गांधी ने लिंचिंग को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की और उस पर पलटवार करते हुए अमित मालवीय ने राजीव गांधी को फादर ऑफ मॉब लिंचिंग बताया। क्लियर बात है। थैंक यू मोदी जी हैशटैग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा कि 2014 से पहले लिंचिंग शब्द सुनने में भी नहीं आता था। थैंक यू मोदी जी। राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को दंगे का मास्टरमाइंड बताया और कांग्रेस को 1969 से लेकर 1984 तक के दंगे याद दिलाए। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने राहुल के ट्वीट पर पलटवार किया और एक ट्वीट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को मॉब लिंचिंग का जनक बताया। मालवीय ने अपने ट्वीट के साथ राजीव गांधी का वो वीडियो भी अपलोड किया जिसमें उन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कहा था कि जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ा हिलती है। मालवीय ने लिखा कि कांग्रेस के सिखों के नरसंहार को जायज ठहराया। 1984 में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर खून का बदला खून से लेंगे के नारे लगाए, महिलाओं के साथ ज्यादति की, लोगों को जलते हुए टायर में बांधा। अमित मालवीय ने अपने दूसरे ट्वीट में कांग्रेस को अहमदाबाद, मुरादाबाद, भिवंडी, भागलपुर और मुंबई में हुए दंगों की भी याद दिलाई और लिखा कि ये तमाम दंगे गांधी नेहरू परिवार की आंखों के सामने कराए गए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लिंचिंग के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है और कहा है कि राहुल गांधी को इस पर माफी मांगनी चाहिए। उस समय तो आप जितने 400 टीवी चैनल्स नहीं थे, ना सोशल मीडिया हैंडल्स थे, लेकिन अखबारें थी और उनके ऊपर भी जिस तरह से प्रतिबंध कांग्रेस की इमरजेंसी के समय लगा उसका जवाब भी आज तक कांग्रेस नहीं दे पाती। लेकिन आज मीडिया को दलाल कह देना ये अपने आप में बहुत शर्मनाक है। राहुल गांधी जी को पूरे मीडिया से माफी मांगनी चाहिए और सोनिया गांधी जी को भी इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि क्या वो भी राहुल गांधी जी की तरह सोचती हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।